नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे इस एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल, वीवीए एंड एमआई सपोर्ट ऑटोमेशन। दोस्तों, हमारी इस कोर्स में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का ये हमारा कोर कंसेप्ट है और ये हम लाइव क्लासेस लेते हैं जूम ऐप के थ्रू। जी हाँ, जूम ऐप के थ्रू हम आपके साथ लाइव डिस्कशन करते हैं। तो जूम ऐप है, इसकी मैं इनविटेशन को लिया और इनविटेशन को लिया के अपने बैच को मैं मेल कर देता हूं। अब क्या है कि इनविटेशन के थ्रू वो ज्वाइन करेंगे और मेरी कंप्यूटर स्क्रीन उनको लाइव दिखेगा और हम लाइव लाइव कन्वर्सेशन करेंगे उनके साथ। वो अपने घर से बैठ के मेरे साथ लाइव पढ़ेंगे। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कोड कंसेप्ट के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशंस डेली मिलता जाए। तो चलिए वेट करते हैं उनके आने का। ओके, तो आज के हमारे इस क्लासेस में पुनीत जी एंड संदीप जी हैं और उनके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का सेशन वो है कोड कंसेप्ट। लास्ट क्लासेस में हमने एल्गोरिदम के बारे में डिस्कशन किया था और बताया था कि कैसे यूज होगा, तभी तक हमने कोड को पढ़ा नहीं है, राइट? तो चलिए हम कोड को पढ़ने चले। तो आपके पास एक, यहाँ देखिए, यहाँ पे डेवलपर टैब है, और डेवलपर टैब आपके पास नहीं है तो फाइल में आए और फाइल में आपके पास ऑप्शन होता है, और ऑप्शन में आप यहाँ कस्टमाइज रिबन पे जाए, सो डेवलपर पोस्ट क्लिक करके आप अपना डेवलपर टैब को लेके आ जाए। डेवलपर टैब आने के बाद आप उसके यहाँ विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे। याद रखिएगा, विजुअल बेसिक एडिटर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट जो है आपका इंस्टॉल होता है, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस सर, आधार कार्ड तो इस पे क्लिक कीजिए, आपके पास आएगा। तो यहां पे हम जो कोडिंग करेंगे वो इंसर्ट मॉड्यूल्स में करेंगे, और यहां पे सब्जेक्ट, ये सब चीज हमने आपको लास्ट क्लासेस में समझा रखा है, सब्जेक्ट बना। और हम बात कर रहे हैं कि कोडिंग करेंगे तो क्या करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि वीवीए में चाहे जो भी कोड लिखे, जैसे कि मुझे अगर यहाँ रेंज B1 पे क्लिक करना है तो B1 पे क्लिक करने का कोड होगा कि रेंज यहाँ B1.क्लिक, तो माफ कीजिए, क्लिक नहीं होगा, सेलेक्ट होगा या एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो आखिर हमने रेंज कैसे डिसाइड किया? तो उसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास जो होते हैं, आपको ऑब्जेक्ट को पढ़ने पड़ेंगे। चार ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन, हमारे पास एक होता है एप्लीकेशन, दूसरा हमारे पास होता है वो होता है वर्क बुक्स, तीसरा होता है हमारा शीट्स, एंड चौथा होता है रेंज। ये चार मेन आपको ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना, एक सेंटेंस का क्या क्या पार्ट होते हैं, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडवर्ब होता है, वर्ब होता है, ये होता है ना। तो सेम चीज ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, तो लैंग्वेज की तरह सीखोगे तो आसानी से सीख जाओगे। तो जैसे कि हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सबसे पहला वर्ड हम क्या लिखते हैं, नाउन लिखते हैं ना, राम इज गुड बॉय, तो राम पहले लिखेंगे। राम पहले क्यों लिखाएगा, क्योंकि तो वो नाउन है। उसी तरीके से ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि सबसे पहले लिखाता है। अब चारों में से कौन सा ऑब्जेक्ट होगा और डिपेंड करता है इफेक्ट पे, कि जिस चीज के लिए आप कोड लिख रहे हो उसका इफेक्ट कहाँ होने वाला है उस पर डिपेंड करता है।
तो जैसे मान लीजिए कि मुझे वर्कबुक के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं, क्यों? एप्लीकेशन क्यों नहीं पढ़ रहे? एप्लीकेशन थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा और स्टार्टिंग में एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगी, तो हम वर्कबुक को पहले पढ़ते हैं। तो वर्कबुक से कोड कौन स्टार्ट होगा? जो लाइन ऑफ कोड वर्कबुक को इफेक्ट करेगा। जैसे कि हमारा एल्गोरिथम कह रहा है कि क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, हमारा कहता है कि क्रिएट ए न्यू वर्कबुक एंड सेव इन डी ड्राइव एज ए 123.xlsx एंड क्लोज क्लोज। ठीक है, तो इसके लिए क्या कोड होगा? तो यहां पर लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट एड, एक नया वर्कबुक एड होगा। अब यहां पे बात होती है कि जो वर्कबुक एड हो रही है उस वर्कबुक को सेव करने की डी ड्राइव में। तो किसी भी वर्कबुक को सेव करने का कोड होता है वर्क बुक्स, और यहां पे आपका कि बुक वन डॉट xlsx डॉट सेव एज डी ड्राइव 123.xlsx। तो एक कोड होता है, बट एक कोड इसके साथ हुआ। अब यहां पे ये तो हो गया कि आप कोड लिख रहे हो, तो कोड में दो चीज ध्यान देने बात होती है कि आपको एक क्या बोलते हैं सिचुएशन कि हमने यहां पर लिया वर्कबुक डॉट एड। हालांकि कोड लिखने का तरीका यही है, कोड लिखने का तरीका होता है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिटेल, एक्शन, एक्शन डिटेल, किस पे, कौन से पे क्या करना है और उसके डिटेल क्या क्या है। मतलब कि वर्कबुक बुक वन सेव एज करना है इस लोकेशन, तो कंप्यूटर समझेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हमारे पास यहां पे वर्कबुक डॉट एड आ रहा है, तो यहां पे जरूरी नहीं है कि जो वर्कबुक वन है वही आपका सेव होगा। क्यों? क्योंकि जब हम अपने फाइल को ओपन करते हैं, जब भी हम अपने फाइल को कोई नई वर्कबुक लेते हैं, तो बुक वन आ सकता है, अगली बार में बुक टू आएगा, उसके अगली बार में बुक थ्री आएगा, उसके अगली बार में बुक फाइव आएगा, तो ऐसे वो बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन नहीं कहता है कि इसका इस्तेमाल करें, लेकिन हम जानते हैं कि वर्कबुक हमारा जो है वो एड है, वर्कबुक क्या है, क्रिएटेड है। तो हम सिंपल से बात करते हैं कि जो भी वर्कबुक एड करते हैं, कंट्रोल एन किया तो हमारा न्यू वर्कबुक ओपन है। तो यहां पे हम जो है डालेंगे एक्टिव वर्कबुक वर्कबुक डॉट सेव एज, बाकी प्रोसीजर होगा। तो इसको डेट कर देता हूं मैं, तो एक कोड वर्क नहीं करेगा, ठीक है, एक कोड डालेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं और इजीली हो जाए, तो हम वर्कबुक ऐड के बाद जो ही हम सेव एज का कोड डाल सकते हैं, इसी पे हम डॉट लगाएंगे और सेव एज का कोड डाल देंगे, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो वर्कबुक क्रिएट करना वर्कबुक डॉट एड, वर्कबुक क्रिएट करके जस्ट सेव करने का एक और तरीका है और एक तरीका है, और किसी भी वर्कबुक को सेव करने का तरीका यह है वो वर्कबुक ओपन होना चाहिए। क्लियर है संजीव जी एंड पुनीत? सर कुछ क्वेश्चन है। हाँ, कि ये जो कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो पहले सब होता है, वो टीटी क्या है? टीटी है, नीचे आरआर है, ये क्या चीज है? मैक्रो नेम है। अच्छा, टीटी मतलब बाहर जब इसको मतलब... रन, जब इसको रन कीजिएगा माइक्रो में, तो माइक्रो लिस्ट ही नाम आएगा। अच्छा, और स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने उसमें जाइए, वापस कोड पे जाइएगा जरा।
तो स्टार्ट करने समय सब आएगा और एंड जो होगा वो एंड सब से होगा, राइट? एक सब्जेक्ट क्लियर हुआ तो जो भी प्रोग्राम करेंगे वो सब और एंड सब के बीच में करेंगे, उसके बाहर नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। ये जो अभी अभी जो वर्कबुक आपने ऐड किया, वर्कबुक डॉट ऐड, उसके बाद एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज डॉट डी ड्राइव में जाकर के एक नया वो सेव हो जाएगा 1230.xlsx होगा, ठीक है? हेलो ठीक है। हाँ तो ये जो दूसरा जो कोड डाले हैं फिर वर्कबुक बुक 1.xlsx सेव एज डी ड्राइव, ये दोनों अलग अलग कोड है या सेम कोड है? नहीं देखिए मैंने क्या बताया आपको, सिचुएशन है। देखिए अगर वर्कबुक ऐड करते हैं उसी वर्कबुक को सेव करते हैं तो आपका ये सेव करने का एक तरीका ए है या एक तरीका ए है कि आपको वर्कबुक ऐड करके सेव करना है। तो एक तरीका आप ये दे सकते हो कि वर्कबुक डॉट ऐड और एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, राइट? या एक तरीका आपके पास ए है, लेकिन वर्कबुक सेव करने का कोड ए होता है कि किसी पर्टिकुलर ओपन वर्कबुक को डिफरेंट नाम से सेव करना है तो उसके लिए आपके पास इस तरह कोड होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। डाउट इसमें तो मैं एक चीज पूछा था आपसे, मैं जैसे कि अगर हम जैसे हमने सादा कोड लिखा वर्कबुक डॉट ऐड और बैक वर्कबुक डॉट सेव एज करा है, हम कंप्यूटर पर एक लाइन में लिख देते हैं, इससे क्या हमारे चीजें पे बिल्कुल ही इफेक्ट पड़ता है? बताता हूँ देखिए, वो थोड़ा सा है, पहले इसको समझिए। मैं आपको माइक्रो लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको कोड के बारे में समझा रहा हूँ। ये माइक्रो आगे रन होगा तो परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे कोड कंसेप्ट बता रहे हैं, पहले आप कोड जान लोगे तभी तो कुछ सेव या कुछ करोगे। ठीक है चलिए। तो यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट ऐड, यहाँ पे समझ में आ गया, तो किसी वर्कबुक को ऐड करना या एक्टिव वर्कबुक को सेव करना या किसी पर्टिकुलर वर्कबुक को सेव करना या ओपन की गई फाइल को ही सेव करना, इसके बारे में आप सीख गए। अब बात करते हैं किसी भी फाइल को ओपन करने का। तो यहां पे वर्कबुक्स डॉट ओपन, अब यहां पे जहां पे फाइल आपका है उस फाइल का पाथ दोगे जो कि ओपन करना है, ठीक है? उसके बाद मान लीजिए वो फाइल में अगर पासवर्ड हुआ तो आपको यहां पे देखिए पासवर्ड कहां पे, यहां पे है, इसके अंदर चार है, तो मैं इसको कॉमा कॉमा करके इसको स्किप करूंगा, ठीक है? स्किप किया और यहां पे पासवर्ड डाल, तो वर्कबुक ओपन करने का कोड आपके सामने, किसी वर्कबुक को आप ओपन करते हो। अब जैसे दो फाइल खुली हुई है, अगर एक फाइल से दूसरे फाइल पर जो हम ऑल टैप करते हैं ना, इसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक है हमारा कि वर्क बुक्स और यहां पे हम उस बुक जिस बुक पे जाना है उस बुक को देंगे बुक 1.xlsx डॉट एक्टिवेट। ये क्या करेगा, दूसरे फाइल पे चला जाएगा, एक फाइल से दूसरे फाइल पे चला जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, इसी का दूसरा तरीका है कि हम यहां डालेंगे कि विंडोज और इसमें बुक वन डॉट एक्टिवेट। तो जो विंडोज वाला पार्ट है ये बेसिकली एक्सेल के व्यू मेनू बार के स्विच विंडो का पार्ट है। अच्छा ठीक है, स्विच विंडो का पार्ट, क्लियर है? कोई डाउट इसमें?
तो ये हो गया, तो वर्कबुक हो। अब बात करते हैं वर्कबुक खुला हुआ है तो उसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए लिखेंगे यहाँ पे वर्क। अब बहुत सारे वर्कबुक खुले होंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से वर्कबुक को क्लोज करना है, तो उसका नाम यहाँ पे देना होगा कि वर्कबुक 1.xls.x.close। अब फाइल क्लोज हुआ है तो जब भी हम फाइल क्लोज करते हैं तो हमसे कंफर्मेशन मांगता है, ठीक है, कंफर्मेशन मांगता है, वांट टू सेव योर चेंजेस। अब यहां पे एक बात आती है कि मुझे यस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे ट्रू पे करना होगा, नो पे क्लिक करना है तो यहाँ फॉल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर वर्कबुक को क्लोज करना, अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वर्कबुक नहीं है, एक्टिव वर्कबुक है उसी को क्लोज करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज और यहाँ इक्वल टू ट्रू, ये भी लिख सकते हो आप। तो एक्टिव वर्कबुक या वर्कबुक, एक्टिव वर्कबुक कब लगाना है, जब आपको फाइल का नाम पता नहीं है लेकिन इतना पता है कि आपका फाइल एक्टिवेट है, ठीक है। अब फाइल को हमने ओपन कर लिया, अब बात करते हैं हम फाइल में पासवर्ड लगाने की। तो यहां पे मान लीजिए हम पासवर्ड लगाना है तो यहां पे लिख सकते हैं एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड, पासवर्ड माफ कीजिए प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, और यहां पे हम पासवर्ड डाल देते हैं। तो ये प्रोटेक्शन कौन सा हुआ, ये प्रोटेक्शन हुआ आपका रिव्यू के अंदर में प्रोटेक्ट वर्क को, मतलब कि इसने स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन मुझे फाइल की ओपनिंग पासवर्ड चाहिए, तो उसके लिए कोड लिखेंगे यहां पे एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड और यहां इक्वल टू हम पासवर्ड डालेंगे। अब एक चीज यहां पे गौर करने वाली बात है कि इससे ऊपर जितने भी कोड आपने लिखे उस कोड में हमने कहीं भी आपको इक्वल साइन नहीं लगाया, बट यहां पे इक्वल क्यों लगाया, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका मेंबर्स होते हैं या एक्शन होते हैं, तो ऑब्जेक्ट मेंबर, ऑब्जेक्ट मेंबर, और बीच में जो हुआ वो ऑब्जेक्ट का डिटेल्स हुआ और साइड में क्या हुआ वो मेंबर का डिटेल्स हुआ। तो होता क्या है कि जो मेंबर दो तरह के होते हैं, एक मेथड उसकी प्रॉपर्टी, तो ये सब जो है वो मेथड है, ये आपका प्रॉपर्टी है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मेथड या प्रॉपर्टी है, जैसे आप डॉट लगा के प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट लिखते हो ग्रीन कलर का जो बॉक्सेस आते हैं एंगल आते हैं वो उससे साबित होता है कि ये मेंबर है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। और जिस पे हाथ का निशान बना हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी है। दूसरा कि आपका अगर मेथड पे स्पेस मारेंगे तो नीचे एक्सप्रेशन आ जाएगा और इसके प्रॉपर्टी का मारेंगे तो एक्सप्रेशन नहीं आएगा। तो प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं, एक तो जो इंफॉर्मेशन लेते हैं और जो इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ए एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड ने क्या किया, इंफॉर्मेशन लिया, लेकिन मुझे मान लीजिए कि इन्फॉर्मेशन दिवाना है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन मुझे दे, तो जैसे कि MSG बॉक्स के अंदर है, मैंने बोल दिया एक्टिव वर्क बुक डॉट नेम, ठीक है। इसने क्या हुआ एक्टिव वर्क बुक मैसेज बॉक्स में वापस किया, या फिर यहां पे लिख दीजिए एक्टिव वर्क बुक फुल नेम, कंप्लीट नेम पास के साथ देगा,
या एक्टिव वर्क डॉट नेम के जगह पे कर दीजिए पाथ, इसका पाथ देगा। ऐसे इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है ना, लेते नहीं है। समझ में आया सर? समझ में आया? हाँ सर। तो हम फाइल में और क्या क्या करते हैं? हम फाइल में ही करते हैं ना, किसी पर्टिकुलर फाइल को हम क्रिएट करते हैं, उसको सेव करते हैं, उसको सेव सिर्फ सेव करना है। अगर सिर्फ सेव करना चाहते हो तो एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव लिख दो बस। अच्छा, अब एक्टिव वर्कबुक और वर्कबुक में फाइल का नेम कब देंगे पता चल गया आपको? कि अगर आपका फाइल एक्टिवेट है, नाम पता नहीं है, तो एक्टिव वर्कबुक आपको फाइल पता है कि फाइल एक्टिवेट हो सकती है, लेकिन इतना पता, लेकिन फाइल नेम बताया आपको, उस केस में ठीक है। तो अब आपको एक सारे कोड्स हम आपको भेज रहे हैं, आप इन कोड्स की मदद से वर्कबुक पे तकरीबन 10 काम करके दिखाएं, हो जाएगा? करेंगे सर, जरूर करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आप खाएंगे। हाँ, ताकि आपको वर्कबुक पे होने वाले काम के बारे में आइडिया लग जाए, फिर हम आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे सीट्स के बारे में, सीट के बारे में, ऐसी आपको सीट्स, फिर ऐसी रेंज और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, और वो उसका कोड बताइएगा ना कि क्या गड़बड़ है उसमें। हाँ, मैं आपको समझाऊंगा।